नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे घर और परिवार से रिलेटेड वास्तु दोष भी हमारे जीवन पर निर्भर करते हैं। हम अपना घर बनवाते हैं और घर बनवाते समय हम बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं और चयन भी करते हैं। हमने खास कर देखा है कि बहुत सारे कमरे जो आजकल डिजाइनिंग रूम चल रहे हैं उसमें हम बाथरूम भी अंदर ही ले लेते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे घर का सबसे अभिन्न अंग एक बाथरूम और एक बेडरूम होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव होते हैं। जो हमारा बेडरूम होता है वहाँ सकारात्मक प्रभाव होता है, जहाँ बाथरूम होता है उसे नकारात्मक प्रभाव भी कहा जाता है। यदि ये दोनों प्रभाव आपस में मिल जाते हैं तो हमारे घर के परिवार के सभी सदस्यों की कोई ना कोई बीमारी से जुड़ा रहता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ये दोनों भाग कभी भी एक साथ ना हो। यदि आपके बाथरूम का दरवाजा बेडरूम में खुलता है तो वह आपके नकारात्मक प्रभाव को अंदर डिजॉल्व करता है। तो कोशिश करें कि आप बाथरूम पर पर्दा या फिर गेट ऐसे चढ़ा के रखें, हमेशा ही उसे बंद रखें, और बंद रखने का ये फायदा होगा कि नकारात्मक प्रभाव आपके सकारात्मक प्रभाव के साथ कभी नहीं मिलेगा। यदि आपके बाथरूम का दरवाजा आपके बेडरूम में खुलता है तो आप कोशिश करें कि तो आप बाथरूम में बांस का पौधा जरूर रखें। ऐसा करने से आपके सकारात्मक प्रभाव रहेंगे और नकारात्मक प्रभाव दूर रहेंगे। आप अपने बाथरूम का वास्तु दोष अगर समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप खड़ा नमक यानी कि साबुत नमक को जरूर रखें। कटोरी में साबुत नमक रखते रहें और ऐसा करने से आपके वास्तु दोष दूर हो जाता है, लेकिन खास ख्याल रखें कि एक महीने में वो जो नमक की कटोरी है उसे बदलते रहें। यदि आप वास्तु दोष से ज्यादा परेशान हैं तो आप खास कर ध्यान रखें कि आपके बाथरूम में या फिर कहीं पर नल टपक तो नहीं रहा क्या, पानी तो नहीं वेस्ट होना। अगर पानी वेस्ट होना सबसे बड़ा वास्तु दोष माना जाता है तो उसकी मरम्मत करवाएं, और मरम्मत करवाने के बाद उससे आपका वास्तु दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। बाथरूम में एक और बात खास ख्याल रखें कि आप बाथरूम के दरवाजे के खोलते समय ही सामने ही शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दर्पण होने से नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं। क्योंकि जब भी कोई प्रवेश करेगा बाथरूम में तो सबसे पहले शीशा ही पड़ेगा और जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वह सभी आपके घर में दोबारा से प्रवेश कर सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप बाथरूम का चयन कर रहे हो तो कभी भी दर्पण दरवाजे के सामने ना लगाएं। बाथरूम बनाते समय एक और बात खास ख्याल रखें कि जब भी आप बाथरूम का चयन कर रहे हैं तो उस समय आप टाइल गहरे कलर की ना लें, और गहरे कलर की टाइल आपके नकारात्मक प्रभाव को और ज़्यादा तेज कर देती हैं। तो कोशिश करें कि आप जब भी बाथरूम का चयन कर रहे हैं या बनवा रहे हैं तो उसमें आप टाइल ऐसी लगवाएं जो हल्के कलर की हो, और बाथरूम की साफ सफाई हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक चीज़ों को दूर करना है तो आपको अपने आसपास की चीज़ों को साफ सफाई और स्वस्थ रखना चाहिए। तो ये है बाथरूम बनाने के नियम और वास्तु दोष को खत्म करने के टिप्स। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।